नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग जोन में। मेरा नाम है अमजद और आज मैं आया हूँ रामगढ़ के अंदर और मैं आया हूँ आयुष फील्ड किंग एग्रो के अंदर। यहाँ पे थ्रेसर बनाई जाती है और यहाँ पे थ्रेसर बनाने का काफ़ी बड़ा कारखाना है। तो हम आपको बताएंगे कि ये जो थ्रेसर है, आप पीछे की साइड को देख रहे हैं, इसके अंदर कौन सी चादर लगाई जाती है, कौन सी टेक्नोलॉजी पर ये तैयार होती है, कौन सा इसके अंदर चेचिस लगाया जाता है, कौन सा हेड लगाया जाता है और कितने की ये आपको पड़ती है। और हम आपको बताएंगे कि इनके अंदर जो सारा जो पुर्जे लगाए जाते हैं वो किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो हमसे मिलेंगे जो यहाँ आयुष फील्ड किंग एग्रो के अंदर जो फोरमैन है, वो हमसे मिलेंगे और थ्रेसरों के बारे में बताएंगे। तो चलिए आपका टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुबेदीन। सुबेदीन जी, यहाँ पे आयुष फील्ड किंग एग्रो के अंदर आप ही है, मैंने हेड स्त्री मिस्त्री है जो। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे जो थ्रेसर बनाई जाती है वो किस टेक्नोलॉजी पे आधारित होती है? यहाँ ये बढ़िया मशीन बनाते हैं, बढ़िया क्वालिटी में 10 गेज की चादर देते हैं, 4 mm की चेकर देते हैं, इसमें बढ़िया माल लगाते हैं। बढ़िया माल लगाते हैं जी। यहाँ पे अगर कोई किसान आता है तो एड्रेस क्या पड़ेगा? आयुष फील्ड किंग एग्रो। आयुष फील्ड किंग एग्रो जी। और ये अलवर और कौन सा रोड है? ये अलवर टू दिल्ली, दिल्ली रोड है ये। इस रोड पे ये फर्म पड़ती है जी। तो ये थ्रेसर आप लोगों ने यहीं पे बनाई है जी। इसके अंदर जो चेचिस है वो कौन सी कंपनी का है? ये विजाग का है। विजाग का है। इसके अंदर जो व्हील लगाया आपने वो कितने mm का है और कितने kg का है? ये 51 का व्हील है, इसमें 51 की मार का जी, और बढ़िया व्हील है इसमें जी। इसके अंदर जो पुली की सेटिंग है आपने बीच में कर रखी है, 3 जुट्टे की ये पुली है, ये बीच में क्या काम आती है और साइड में क्या काम आती है? ये गेहूँ पे चलती है, आगे की ये डॉलर पे चलती है, डॉलर चना होता है ना उसमें चलती है। अच्छा, जो MP UP के अंदर चलाते हैं जो जी। और इसके अंदर जो ये एलिवेटर है, इसमें आप कितने mm की चादर लगाते हैं, कितने गेज की चादर लगाते हैं? इसमें 14 गेज की, 14 गेज की आती है जी। और विद एलिवेटर लगा के देते हैं आप लोग, ये गार्ड जाली भी आप ही ने लगाई है जी। इसके अंदर आप ये जो भूसा फेंकने वाले हैं ऊपर के, इसमें लपेटे में आपने कितने mm की चादर लगाई है? इसमें लपेटा में है 4 mm चेकड़े है, साइड में 10 गेज की चादर है, साइड में 10 गेज की चादर है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है फट्टे की इसकी? इसकी लंबाई है 140 के समथिंग पड़ेगी, फट्टे की लंबाई इंच 140 इंच है। ये मॉडल कौन सा है? भूत मॉडल है, जो साइड फैन में होता है ये वाला। तो ये डबल फैन है, डबल फैन में आती है। इसके अंदर जो हेड आपने दिया है वो कौन सा हेड है इसके अंदर? इसमें हेड है 13-15 का, 13-15 का जी। दो साइज है, आगे से 13 है, दूसरी मशीन खड़ी है बनी हुई उसमें 14-16 का। और इसमें जो सूपड़ी है उसकी क्या चौड़ाई? 32 का, 32 की है, 32 की। इसके अंदर जो रूटर पत्ती है वो कितने mm की है, कितने सूत में? वो है 5 सूत में है। तो आप देख रहे किसान भाइयों, ये भूत मॉडल है और ये बन के कितने की तैयार हो जाती है, कितने क्विंटल की? ये करीब बैठेगी 26-27 क्विंटल वजन बैठेगा इसमें जी। 2,95,000 की तैयार करके देते हैं, 2,95,000 की तैयार करके बैठेगी। तो ये तैयार आपको मिलेगी 2,95,000 रुपये में। और ये पूरी वेल फिनिशिंग की हुई है इन्होंने और ये बालोत नगर में पड़ता है ये जो एड्रेस है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इनका बैलेंस चेक किया जा रहा है, ये बैलेंस चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ये सापट जो है कितने mm की है सापट? ये 75 mm की, इसमें 80 mm की मांगते, जो ग्राहक जैसी मांगता है वैसी देते हैं, वैसी दे देते हैं। तो ये 80 mm की सापट है अभी तो नहीं, ये 75, ये 75 mm है, 80 mm की भी देते देते हैं। ये ड्रम तैयार हो रहे हैं अभी, तो ये जो ड्रम है इसमें जो नीचे चेचिस है ये बिजाक का है? नहीं, ये सादा आरके का, सेल का है, या सेल का है, आरके का है, आरके का, आरके का। ये कितने फैन में तैयार हो रही है जो मशीन है? डबल फैन में है, सेंटर फैन वाली है, साइड फैन वाली, फैन वाली है, दूसरी है ये वाली है, ये सेंटर फैन में है, चैनल में है। अच्छा, ये चैनल में है, हैवी मशीन है। ये बन के कितने की तैयार हो जाएगी? ये बैठेगी 3,05,000 की, 3,05,000 रुपए की। ये 3,05,000 रुपए की बन के तैयार हो जाती है, कितने क्विंटल की बैठेगी ये? इसमें बैठेगा 27-28 क्विंटल वजन बैठ जाएगा इसके अंदर। और ये हैवी ड्यूटी की मशीन होगी, इसके अंदर जो चैनल है वो भी हैवी है, 5-2.5 का चैनल है हैवी में,
और इसके अंदर जो ये लपेटे में चद्दर लगे वो भी हैवी गेज की है, वो भी 10 गेज, वो 4 इंच। और पीछे अगर आप देखें तो इसकी जो लंबाई वगैरह वो भी काफी बड़ी होगी। लंबाई पूरी है ना इसकी? पूरी लंबाई है। इसमें आप गियर बॉक्स वगैरह की कुछ गारंटी वगैरह देते हैं? पूरी गारंटी देते हैं। कितने साल की? एक सीजन की पूरी गारंटी। एक सीजन की? कोई भी दिक्कत आ जाए वहीं ठीक करके आएंगे जी। आप हेड वगैरह यहीं तैयार करते हैं? यहीं बन रहे हैं। ये आप देख रहे हैं किसान भाइयों, यहाँ पे ये हेड तैयार हो रहे हैं अभी, इनमें हेड ये तैयार हो रहे हैं। ये रोलर है 14, 16, 18 का है। 3 कट का हेड है ये? 3 कट का है, 14, 16 और 18। 3 कट बैंड वाली प्लेट है ये, 14, 16, 18 का 5 बन रहे हैं। और ये है कट वाली प्लेट, भूत मॉडल प्लेट ये है। ये भूत मॉडल है, 13-15 का है ये, 13-15 का है। और वो 14, 16, 18 तीन कट का हेड है वो। और ये हेड आप यहीं पे तैयार करते हैं? हाँ, यहीं पे तैयार हो रहे हैं सारे के सारे। और रोलर वगैरह की फिनिशिंग वगैरह भी यहीं करते हैं? हाँ, बढ़िया फिनिशिंग कर रहे हैं यहीं पे, कर रहे हैं यहीं पे। ये जो रोलर वगैरह है इनकी सारी फिनिशिंग वगैरह आप यहीं करते हैं? हाँ, सारा काम यहीं होता। सारा ये कटिंग वगैरह का काम भी आप यहीं करते हैं? सारा काम यहीं होता है, पूरी फैक्ट्री में ही। तो ये जो रूटर पत्ती आप सब में एक ही साइज की लगाते हैं, कुछ हैवी हल्की भारी भी? कोई मांग लेता है हैवी में, वो हैवी लगा देते हैं, नहीं तो 5 फुट तो चली रही है वो तो एक साइज के ही। अच्छा अच्छा, तो आपका जो कारखाना है वो दिखाइए। जैसे मान लीजिए ये सारी की सारी सेंटर फैन और साइड फैन वाली है? ये सेंटर वाली है, ये वाली। और यहाँ पे ये खरादी का काम करते हैं? और ये रोलर वगैरह है? और ये ढोलकी वगैरह है, क्या है ये? अच्छा, ढोलकी यही तैयार करते हैं। और ये वेरी वेल वगैरह की फिनिशिंग वगैरह? हाँ, फिनिशिंग ये सारी यहीं हो रही है, यहीं पे तैयार करते हैं जी। और ये जो ये साइड फैन वाली है, जो भूत मॉडल वाली है, ये पंखे के लिए है, पंखे वाली है, पंखे वाली है। और ये चैनल वगैरह यहीं तैयार करते हैं आप? पुच्छी वगैरह यहाँ तैयार करते हैं, पुच्छी ये वाली है। आपका क्या नाम है भाई साहब? सारूप। आप ये तैयार करते हो? हाँ जी। इसको बनाने में कितना टाइम लग जाता है? हम एक कट्टी तैयार करते हैं, एक दिन बना देते हैं 20 मशीनों के। 20 मशीन? 20 मशीनों के लिए बना देते हो? हाँ, एक दिन में। तो कितने सालों से काम कर रहे हो आप? मेरे को होगा 5-6 साल। 5-6 साल? तो 5-6 साल से काम कर रहे सारूप है इनका नाम। अगर आप बनवाने आए तो इनसे बात कर सकते हैं। फिर ये मशीन है जो ये तैयार है, ये वाली मशीन, ये भी भूत मॉडल ही है जी। हाँ, ये भी भूत मॉडल में, ये भूत मॉडल मशीन है ये भी। इसमें आप देख रहे हैं ये भूसा फेंकने के हैं 2 साइड फैन नीचे के, और पल्ली साइड को इसमें ऊपर के भूसा फेंकने के हैं। और इसमें आप ये देख रहे हैं ये जो गियर बक्सा है, ये कौन सी ट्विंकल का है? ट्विंकल का है। और एक सीजन की वारंटी है इसकी जी, एक सीजन की इसकी वारंटी है। आ जाएगी वहीं पे करके आएंगे, करके आएंगे। और ये इनके नंबर है, आप इन पे संपर्क कर सकते हैं। आयुष फील्ड किंग एग्रो के नाम से इनकी फर्म है, और आप आराम से यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। ये मशीन आपको यहीं पे मिलेगी, और इनके नंबर आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे, इनके मालिक के भी और इनके भी नंबर। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और काफ़ी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।